गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे इतना छोटा सा जो टेरेस गार्डन बनाया है उस टेरेस गार्डन के जो वीडियोस आपको दिखाती रहती हूँ और आप सब लोग बहुत ही पसंद से देख रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपके साथ एक सब्जेक्ट लेके आई हूँ तो वो है गोकर्ण या अपराजिता के नाम से पहचाने जाने वाला बहुत ही सुंदर फूल जो कि औषधि तो है और उसी के साथ साथ गार्डन की शोभा भी बढ़ाता है। तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ कुछ बातें बोलने आई हूँ। पहले तो भगवान के लिए जो सुंदर सुंदर से फूल खिले हैं उसको ले लेते हैं और फिर जाते हैं मेरे अपराजिता के बेल के पास। अपराजिता का बेल जो होता है वह लगाने में बहुत ही आसान होने के कारण मैंने उसको लगाया है और फिलहाल तो मेरे पास सिंगल पेटल का है। वो डबल पेटल के आते हैं अपराजिता के फूल और कलर्स कलर्स में भी आते हैं, जो कि मेरे पास 3 कलर्स में अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपराजिता के 3 कलर जो पिंकिश है, जो पर्पल बोलते हैं वो वाला है, और ब्लू और वाइट। तो ये तीनों भी मेरे पास जो है वो तीनों भी सिंगल पेटल के हैं। तो जब भी अपराजिता के फूल आके चले जाते हैं तो वो जो पौधा होता है जब भी बूढ़ा हो जाता है तो कम फूल देने लगता है, नहीं तो फूलों का जो साइज़ होता है वो छोटा होने लगता है। ऐसा ना हो इसीलिए आप ना उसको जब उसके फल्ली आ जाती है उसके पास, मतलब जो बीज तैयार हो जाते हैं, तभी एक आध बीच बीच में महीना महीना के अंतर में बीज लगा लीजिएगा। उससे क्या होगा, जो नया पौधा आएगा उसमें नए फूल आएंगे, नए फूल बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े साइज़ में आएंगे, और जो पुराने पौधे होते हैं उनको आप काट लीजिएगा। जब उसको काटेंगे तो उसको हम कंपोस्ट के इसमें डाल सकते हैं और जो नीचे रूट्स होते हैं वहीं से भी कभी कभी हमें फिर नया पौधा मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो वह जो रूट्स है उधर अंदर मिट्टी में ही दबकर उसका कंपोस्ट होने लगेगा। इससे क्या होगा, तो अपराजिता के जो फूल है हमेशा आपके बगिया में खिलते रहेंगे।